हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आप लोग जितने भी सीनिक स्कूल में निकले हो, ठीक है, आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन देखा होगा जो सीनिक स्कूल का निकला था, ठीक है, जिसमें उन्होंने पूरा स्केड्यूल बता रखा है सीनिक स्कूल का, तो बच्चे काफ़ी हैरान परेशान है कि सर हमारा इंटरव्यू कब आएगा। तो मैं आपको एक बार स्केड्यूल बता दूँ, ठीक है। देखो, सीनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 और 20 के सेशन का पूरा स्केड्यूल ये दिया है। तो इसमें सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस आया था इसका बेटा, ठीक है। सबसे पहले देखो दिस ए पार्ट, इसमें क्या आया था, प्रॉस्पेक्टस एडमिशन फॉर्म कब आया था, ये आया था 8 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर 2018। उसके बाद लास्ट डेट कब थी एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन सबमिट करने की, 1 दिसंबर 2018। उसके बाद एग्ज़ाम कब हुआ, एग्ज़ाम डेट दी आपको 6 जनवरी 2019, ठीक है। मैं आपको पूरा स्केड्यूल बता रहा हूँ, बड़ा अच्छे से देखना। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो बच्चों की निकली है, जो मेरिट लिस्ट आई है रोल नंबर वाइज, ठीक है, जिसमें बच्चों को डायरेक्टली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है, इसमें साफ साफ लिखा है मेरिट लिस्ट रोल नंबर वाइज ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इश्यू ऑफ कॉल लेटर्स, वो आई 4th ऑफ फेबररी, ठीक है, वो आई 4th ऑफ फेबररी। थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे हुई हैं, ठीक है, 4th ऑफ फेबररी एग्जैक्ट नहीं, बट आगे पीछे 5th एंड 6th को फाइनल मेरिट लिस्ट आइए, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स की, घोड़ाखाल के लेट आइए, कुछ स्कूल्स की 4th को ही आ गई है। और नेक्स्ट फिर आपको आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। तो टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब 11th फेबररी से लेकर 20th फेबररी के बीच आपको कभी भी बुला सकते हैं वो मेडिकल एग्जाम के लिए। और जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो लास्ट में इन्होंने क्या दिया है, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट। तो इसमें आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट एट द एंड आएगी, वो डेट है 11th मार्च 2019। तो अगर आपने इसको अच्छे से देखा होगा तो बेटा इसमें इंटरव्यू का कहीं मेंशन नहीं है, इंटरव्यू का स्केड्यूल मेंशन नहीं है। तो ये तो श्योर है इस बार इंटरव्यू नहीं होने वाले बच्चों के सीनिक स्कूल के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि क्या पता कॉल लेटर में आपको बताया हो कि मेडिकल के बाद इंटरव्यू हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग मेडिकल के बाद इंटरव्यू लें लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर तैयारी करें इंटरव्यू की, ठीक है। क्या तैयारी करनी है आपने, अपना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें हैं अबाउट योर फैमिली, मदर, फादर, एवरीथिंग। उसके अलावा आपकी हॉबीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है और आपसे कुछ ऐसे बेसिक सवाल पूछ सकता है दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सैनिक स्कूल और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज। किसी को अगर बच्चे को आर्मी में जाना है तो उसको आर्मी में क्यों जाना है, ही शुड नो अबाउट इट, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, उसके लिए भी उसको मालूम होना चाहिए कि उसको क्यों जाना है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए जो आप लोगों से जनरली पूछ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बार रिपब्लिक डे के परेड में जो 26 जनवरी को हुई थी उसमें कौन गेस्ट थे, कौन सी कंट्री से आए थे, ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बच्चे इतनी तो तैयारी अपनी करके जाएं, ठीक है, क्योंकि दे हैव नॉट मेंशन्ड द स्केड्यूल ऑफ इंटरव्यू। तो मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू इस बार नहीं है, बच्चों ने एग्जाम दिया, मेरिट लिस्ट आई, बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया उन्होंने, और मेडिकल होने के बाद फिर एक और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें जो 11th ऑफ मार्च 2019 को आएगी, ठीक है। इसके अलावा दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट इंटरव्यू, ठीक है। और ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, दिस नोटिफिकेशन वॉज रिलीज्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी, ठीक है। तो ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली। तो इन्होंने अपने स्केड्यूल में कहीं पर भी इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, ओके। तो आप लोग फिर भी मैं चाहूँगा कि यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इंटरव्यू की हल्की फुल्की तैयारी कर लेना, ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट।